सरदार उधम एक सुजीत सरकार द्वारा निर्देशित और किनोवर्स के सहयोग से राइजिंग सन द्वारा निर्मित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है। इसे रितेश भट्ट शाह द्वारा लिखा गया है। सुजीत सरकार ने अपने कॉलेज के दिनों में उधम सिंह की बायोपिक का विचार रखा और 1990 में और उसके दशक के निर्माण करने की योजना बनाई, लेकिन स्वतंत्र सेनानी पर शोध कार्य में उन्हें लगभग 2 दशक का समय लग गया। इसे अंततः इरफान खान के मुख्य भूमिका के साथ बनाए जाने की भी बात कही, लेकिन बाद में कौशल को पेशकश की गई और इसमें विकी कौशल ने अभिनय करने के लिए तुरंत हाँ कहा। इसे रोनी लहिरी शील कुमार के द्वारा निर्मित किया गया। इसकी रिलीज की तारीख 16 अक्टूबर 2021 की थी। इसकी लंबाई लगभग 162 मिनट है। इस फिल्म का देश भारत था और इसकी भाषा हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी को साथ है। इसकी कहानी भी सरदार उदय सिंह से शुरू होती है जो कि लंदन में अभी रह रहे हैं। इसे COVID-19 के चलते काफ़ी बार रोका भी जा चुका है। सरदार उधम एक सुजीत सरकार द्वारा निर्देशित और किनोवर्स के सहयोग से राइजिंग सन द्वारा निर्मित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है। इसे रितेश भट्ट शाह द्वारा लिखा गया है। सुजीत सरकार ने अपने कॉलेज के दिनों में उधम सिंह की बायोपिक का विचार रखा और 1990 में और उसके दशक के निर्माण करने की योजना बनाई, लेकिन स्वतंत्र सेनानी पर शोध कार्य में उन्हें लगभग 2 दशक का समय लग गया। इसे अंततः इरफान खान के मुख्य भूमिका के साथ बनाए जाने की भी बात कही, लेकिन बाद में कौशल को पेशकश की गई और इसमें विकी कौशल ने अभिनय करने के लिए तुरंत हाँ कहा। इसे रोनी लहिरी शील कुमार के द्वारा निर्मित किया गया। इसकी रिलीज की तारीख 16 अक्टूबर 2021 की थी। इसकी लंबाई लगभग 162 मिनट है। इस फिल्म का देश भारत था और इसकी भाषा हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी को साथ है। इसकी कहानी भी सरदार उदय सिंह से शुरू होती है जो कि लंदन में अभी रह रहे हैं। इसे COVID-19 के चलते काफ़ी बार रोका भी जा चुका है। सरदार उधम एक सुजीत सरकार द्वारा निर्देशित और किनोवर्स के सहयोग से राइजिंग सन द्वारा निर्मित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है। इसे रितेश भट्ट शाह द्वारा लिखा गया है। सुजीत सरकार ने अपने कॉलेज के दिनों में उधम सिंह की बायोपिक का विचार रखा और 1990 में और उसके दशक के निर्माण करने की योजना बनाई, लेकिन स्वतंत्र सेनानी पर शोध कार्य में उन्हें लगभग 2 दशक का समय लग गया। इसे अंततः इरफान खान के मुख्य भूमिका के साथ बनाए जाने की भी बात कही, लेकिन बाद में कौशल को पेशकश की गई और इसमें विकी कौशल ने अभिनय करने के लिए तुरंत हाँ कहा। इसे रोनी लहिरी शील कुमार के द्वारा निर्मित किया गया। इसकी रिलीज की तारीख 16 अक्टूबर 2021 की थी। इसकी लंबाई लगभग 162 मिनट है। इस फिल्म का देश भारत था और इसकी भाषा हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी को साथ है। इसकी कहानी भी सरदार उदय सिंह से शुरू होती है जो कि लंदन में अभी रह रहे हैं। इसे COVID-19 के चलते काफ़ी बार रोका भी जा चुका है। सरदार उधम एक सुजीत सरकार द्वारा निर्देशित और किनोवर्स के सहयोग से राइजिंग सन द्वारा निर्मित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है। इसे रितेश भट्ट शाह द्वारा लिखा गया है। सुजीत सरकार ने अपने कॉलेज के दिनों में उधम सिंह की बायोपिक का विचार रखा और 1990 में
और उसके दशक के निर्माण करने की योजना बनाई, लेकिन स्वतंत्र सेनानी पर शोध कार्य में उन्हें लगभग 2 दशक का समय लग गया। इसे अंततः इरफान खान के मुख्य भूमिका के साथ बनाए जाने की भी बात कही, लेकिन बाद में कौशल को पेशकश की गई और इसमें विकी कौशल ने अभिनय करने के लिए तुरंत हाँ कहा। इसे रोनी लहिरी शील कुमार के द्वारा निर्मित किया गया। इसकी रिलीज की तारीख 16 अक्टूबर 2021 की थी। इसकी लंबाई लगभग 162 मिनट है। इस फिल्म का देश भारत था और इसकी भाषा हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी को साथ है। इसकी कहानी भी सरदार उदय सिंह से शुरू होती है जो कि लंदन में अभी रह रहे हैं। इसे COVID-19 के चलते काफ़ी बार रोका भी जा चुका है। सरदार उधम एक सुजीत सरकार द्वारा निर्देशित और किनोवर्स के सहयोग से राइजिंग सन द्वारा निर्मित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है। इसे रितेश भट्ट शाह द्वारा लिखा गया है। सुजीत सरकार ने अपने कॉलेज के दिनों में उधम सिंह की बायोपिक का विचार रखा और 1990 में और उसके दशक के निर्माण करने की योजना बनाई, लेकिन स्वतंत्र सेनानी पर शोध कार्य में उन्हें लगभग 2 दशक का समय लग गया। इसे अंततः इरफान खान के मुख्य भूमिका के साथ बनाए जाने की भी बात कही, लेकिन बाद में कौशल को पेशकश की गई और इसमें विकी कौशल ने अभिनय करने के लिए तुरंत हाँ कहा। इसे रोनी लहिरी शील कुमार के द्वारा निर्मित किया गया। इसकी रिलीज की तारीख 16 अक्टूबर 2021 की थी। इसकी लंबाई लगभग 162 मिनट है। इस फिल्म का देश भारत था और इसकी भाषा हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी को साथ है। इसकी कहानी भी सरदार उदय सिंह से शुरू होती है जो कि लंदन में अभी रह रहे हैं। इसे COVID-19 के चलते काफ़ी बार रोका भी जा चुका है। सरदार उधम एक सुजीत सरकार द्वारा निर्देशित और किनोवर्स के सहयोग से राइजिंग सन द्वारा निर्मित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है। इसे रितेश भट्ट शाह द्वारा लिखा गया है। सुजीत सरकार ने अपने कॉलेज के दिनों में उधम सिंह की बायोपिक का विचार रखा और 1990 में और उसके दशक के निर्माण करने की योजना बनाई, लेकिन स्वतंत्र सेनानी पर शोध कार्य में उन्हें लगभग 2 दशक का समय लग गया। इसे अंततः इरफान खान के मुख्य भूमिका के साथ बनाए जाने की भी बात कही, लेकिन बाद में कौशल को पेशकश की गई और इसमें विकी कौशल ने अभिनय करने के लिए तुरंत हाँ कहा। इसे रोनी लहिरी शील कुमार के द्वारा निर्मित किया गया। इसकी रिलीज की तारीख 16 अक्टूबर 2021 की थी। इसकी लंबाई लगभग 162 मिनट है। इस फिल्म का देश भारत था और इसकी भाषा हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी को साथ है। इसकी कहानी भी सरदार उदय सिंह से शुरू होती है जो कि लंदन में अभी रह रहे हैं। इसे COVID-19 के चलते काफ़ी बार रोका भी जा चुका है। सरदार उधम एक सुजीत सरकार द्वारा निर्देशित और किनोवर्स के सहयोग से राइजिंग सन द्वारा निर्मित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है। इसे रितेश भट्ट शाह द्वारा लिखा गया है। सुजीत सरकार ने अपने कॉलेज के दिनों में उधम सिंह की बायोपिक का विचार रखा और 1990 में और उसके दशक के निर्माण करने की योजना बनाई, लेकिन स्वतंत्र सेनानी पर शोध कार्य में उन्हें लगभग 2 दशक का समय लग गया। इसे अंततः इरफान खान के मुख्य भूमिका के साथ बनाए जाने की भी बात कही, लेकिन बाद में कौशल को पेशकश की गई और इसमें विकी कौशल ने अभिनय करने के लिए तुरंत हाँ कहा।
इसे रोनी लहिरी शील कुमार के द्वारा निर्मित किया गया। इसकी रिलीज की तारीख 16 अक्टूबर 2021 की थी। इसकी लंबाई लगभग 162 मिनट है। इस फिल्म का देश भारत था और इसकी भाषा हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी को साथ है। इसकी कहानी भी सरदार उदय सिंह से शुरू होती है जो कि लंदन में अभी रह रहे हैं। इसे कोविड-19 के चलते काफ़ी बार रोका भी जा चुका है। सरदार उधम एक सुजीत सरकार द्वारा निर्देशित और किनोवर्स के सहयोग से राइजिंग सन द्वारा निर्मित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है। इसे रितेश भट्ट शाह द्वारा लिखा गया है। सुजीत सरकार ने अपने कॉलेज के दिनों में उधम सिंह की बायोपिक का विचार रखा और 1990 में और उसके दशक के निर्माण करने की योजना बनाई, लेकिन स्वतंत्र सेनानी पर शोध कार्य में उन्हें लगभग 2 दशक का समय लग गया। इसे अंततः इरफान खान के मुख्य भूमिका के साथ बनाए जाने की भी बात कही, लेकिन बाद में कौशल को पेशकश की गई और इसमें विकी कौशल ने अभिनय करने के लिए तुरंत हाँ कहा। इसे रोनी लहिरी शील कुमार के द्वारा निर्मित किया गया। इसकी रिलीज की तारीख 16 अक्टूबर 2021 की थी। इसकी लंबाई लगभग 162 मिनट है। इस फिल्म का देश भारत था और इसकी भाषा हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी को साथ है। इसकी कहानी भी सरदार उदय सिंह से शुरू होती है जो कि लंदन में अभी रह रहे हैं। इसे कोविड-19 के चलते काफ़ी बार रोका भी जा चुका है। सरदार उधम एक सुजीत सरकार द्वारा निर्देशित और किनोवर्स के सहयोग से राइजिंग सन द्वारा निर्मित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है। इसे रितेश भट्ट शाह द्वारा लिखा गया है। सुजीत सरकार ने अपने कॉलेज के दिनों में उधम सिंह की बायोपिक का विचार रखा और 1990 में और उसके दशक के निर्माण करने की योजना बनाई, लेकिन स्वतंत्र सेनानी पर शोध कार्य में उन्हें लगभग 2 दशक का समय लग गया। इसे अंततः इरफान खान के मुख्य भूमिका के साथ बनाए जाने की भी बात कही, लेकिन बाद में कौशल को पेशकश की गई और इसमें विकी कौशल ने अभिनय करने के लिए तुरंत हाँ कहा। इसे रोनी लहिरी शील कुमार के द्वारा निर्मित किया गया। इसकी रिलीज की तारीख 16 अक्टूबर 2021 की थी। इसकी लंबाई लगभग 162 मिनट है। इस फिल्म का देश भारत था और इसकी भाषा हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी को साथ है। इसकी कहानी भी सरदार उदय सिंह से शुरू होती है जो कि लंदन में अभी रह रहे हैं। इसे कोविड-19 के चलते काफ़ी बार रोका भी जा चुका है। सरदार उधम एक सुजीत सरकार द्वारा निर्देशित और किनोवर्स के सहयोग से राइजिंग सन द्वारा निर्मित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है। इसे रितेश भट्ट शाह द्वारा लिखा गया है। सुजीत सरकार ने अपने कॉलेज के दिनों में उधम सिंह की बायोपिक का विचार रखा और 1990 में और उसके दशक के निर्माण करने की योजना बनाई, लेकिन स्वतंत्र सेनानी पर शोध कार्य में उन्हें लगभग 2 दशक का समय लग गया। इसे अंततः इरफान खान के मुख्य भूमिका के साथ बनाए जाने की भी बात कही, लेकिन बाद में कौशल को पेशकश की गई और इसमें विकी कौशल ने अभिनय करने के लिए तुरंत हाँ कहा। इसे रोनी लहिरी शील कुमार के द्वारा निर्मित किया गया। इसकी रिलीज की तारीख 16 अक्टूबर 2021 की थी। इसकी लंबाई लगभग 162 मिनट है। इस फिल्म का देश भारत था और इसकी भाषा हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी को साथ है। इसकी कहानी भी सरदार उदय सिंह से शुरू होती है जो कि लंदन में अभी रह रहे हैं।
इसे कोविड-19 के चलते काफी बार रोका भी जा चुका है। सरदार उधम एक सुजीत सरकार द्वारा निर्देशित और किनोवर्स के सहयोग से राइजिंग सन द्वारा निर्मित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है। इसे रितेश भट्ट शाह द्वारा लिखा गया है। सुजीत सरकार ने अपने कॉलेज के दिनों में उधम सिंह की बायोपिक का विचार रखा और 1990 में और उसके दशक के निर्माण करने की योजना बनाई, लेकिन स्वतंत्र सेनानी पर शोध कार्य में उन्हें लगभग 2 दशक का समय लग गया। इसे अंततः इरफान खान के मुख्य भूमिका के साथ बनाए जाने की भी बात कही, लेकिन बाद में कौशल को पेशकश की गई और इसमें विकी कौशल ने अभिनय करने के लिए तुरंत हाँ कहा। इसे रोनी लहिरी शील कुमार के द्वारा निर्मित किया गया। इसकी रिलीज की तारीख 16 अक्टूबर 2021 की थी। इसकी लंबाई लगभग 162 मिनट है। इस फिल्म का देश भारत था और इसकी भाषा हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी को साथ है। इसकी कहानी भी सरदार उदय सिंह से शुरू होती है जो कि लंदन में अभी रह रहे हैं। इसे कोविड-19 के चलते काफ़ी बार रोका भी जा चुका है। सरदार उधम एक सुजीत सरकार द्वारा निर्देशित और किनोवर्स के सहयोग से राइजिंग सन द्वारा निर्मित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है। इसे रितेश भट्ट शाह द्वारा लिखा गया है। सुजीत सरकार ने अपने कॉलेज के दिनों में उधम सिंह की बायोपिक का विचार रखा और 1990 में और उसके दशक के निर्माण करने की योजना बनाई, लेकिन स्वतंत्र सेनानी पर शोध कार्य में उन्हें लगभग 2 दशक का समय लग गया। इसे अंततः इरफान खान के मुख्य भूमिका के साथ बनाए जाने की भी बात कही, लेकिन बाद में कौशल को पेशकश की गई और इसमें विकी कौशल ने अभिनय करने के लिए तुरंत हाँ कहा। इसे रोनी लहिरी शील कुमार के द्वारा निर्मित किया गया। इसकी रिलीज की तारीख 16 अक्टूबर 2021 की थी। इसकी लंबाई लगभग 162 मिनट है। इस फिल्म का देश भारत था और इसकी भाषा हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी को साथ है। इसकी कहानी भी सरदार उदय सिंह से शुरू होती है जो कि लंदन में अभी रह रहे हैं। इसे कोविड-19 के चलते काफ़ी बार रोका भी जा चुका है। सरदार उधम एक सुजीत सरकार द्वारा निर्देशित और किनोवर्स के सहयोग से राइजिंग सन द्वारा निर्मित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है। इसे रितेश भट्ट शाह द्वारा लिखा गया है। सुजीत सरकार ने अपने कॉलेज के दिनों में उधम सिंह की बायोपिक का विचार रखा और 1990 में और उसके दशक के निर्माण करने की योजना बनाई, लेकिन स्वतंत्र सेनानी पर शोध कार्य में उन्हें लगभग 2 दशक का समय लग गया। इसे अंततः इरफान खान के मुख्य भूमिका के साथ बनाए जाने की भी बात कही, लेकिन बाद में कौशल को पेशकश की गई और इसमें विकी कौशल ने अभिनय करने के लिए तुरंत हाँ कहा। इसे रोनी लहिरी शील कुमार के द्वारा निर्मित किया गया। इसकी रिलीज की तारीख 16 अक्टूबर 2021 की थी। इसकी लंबाई लगभग 162 मिनट है। इस फिल्म का देश भारत था और इसकी भाषा हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी को साथ है। इसकी कहानी भी सरदार उदय सिंह से शुरू होती है जो कि लंदन में अभी रह रहे हैं। इसे कोविड-19 के चलते काफ़ी बार रोका भी जा चुका है। सरदार उधम एक सुजीत सरकार द्वारा निर्देशित और किनोवर्स के सहयोग से राइजिंग सन द्वारा निर्मित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है। इसे रितेश भट्ट शाह द्वारा लिखा गया है।
शुजीत सरकार ने अपने कॉलेज के दिनों में उधम सिंह की बायोपिक का विचार रखा और 1990 में और उसके दशक के निर्माण करने की योजना बनाई, लेकिन स्वतंत्र सेनानी पर शोध कार्य में उन्हें लगभग 2 दशक का समय लग गया। इसे अंततः इरफान खान के मुख्य भूमिका के साथ बनाए जाने की भी बात कही, लेकिन बाद में कौशल को पेशकश की गई और इसमें विकी कौशल ने अभिनय करने के लिए तुरंत हाँ कहा। इसे रोनी लहिरी शील कुमार के द्वारा निर्मित किया गया। इसकी रिलीज की तारीख 16 अक्टूबर 2021 की थी। इसकी लंबाई लगभग 162 मिनट है। इस फिल्म का देश भारत था और इसकी भाषा हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी को साथ है। इसकी कहानी भी सरदार उदय सिंह से शुरू होती है जो कि लंदन में अभी रह रहे हैं। इसे COVID-19 के चलते काफ़ी बार रोका भी जा चुका है। सरदार उधम एक सुजीत सरकार द्वारा निर्देशित और किनोवर्स के सहयोग से राइजिंग सन द्वारा निर्मित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है। इसे रितेश भट्ट शाह द्वारा लिखा गया है। शुजीत सरकार ने अपने कॉलेज के दिनों में उधम सिंह की बायोपिक का विचार रखा और 1990 में और उसके दशक के निर्माण करने की योजना बनाई, लेकिन स्वतंत्र सेनानी पर शोध कार्य में उन्हें लगभग 2 दशक का समय लग गया। इसे अंततः इरफान खान के मुख्य भूमिका के साथ बनाए जाने की भी बात कही, लेकिन बाद में कौशल को पेशकश की गई और इसमें विकी कौशल ने अभिनय करने के लिए तुरंत हाँ कहा। इसे रोनी लहिरी शील कुमार के द्वारा निर्मित किया गया। इसकी रिलीज की तारीख 16 अक्टूबर 2021 की थी। इसकी लंबाई लगभग 162 मिनट है। इस फिल्म का देश भारत था और इसकी भाषा हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी को साथ है। इसकी कहानी भी सरदार उदय सिंह से शुरू होती है जो कि लंदन में अभी रह रहे हैं। इसे COVID-19 के चलते काफ़ी बार रोका भी जा चुका है। सरदार उधम एक सुजीत सरकार द्वारा निर्देशित और किनोवर्स के सहयोग से राइजिंग सन द्वारा निर्मित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है। इसे रितेश भट्ट शाह द्वारा लिखा गया है। शुजीत सरकार ने अपने कॉलेज के दिनों में उधम सिंह की बायोपिक का विचार रखा और 1990 में और उसके दशक के निर्माण करने की योजना बनाई, लेकिन स्वतंत्र सेनानी पर शोध कार्य में उन्हें लगभग 2 दशक का समय लग गया। इसे अंततः इरफान खान के मुख्य भूमिका के साथ बनाए जाने की भी बात कही, लेकिन बाद में कौशल को पेशकश की गई और इसमें विकी कौशल ने अभिनय करने के लिए तुरंत हाँ कहा। इसे रोनी लहिरी शील कुमार के द्वारा निर्मित किया गया। इसकी रिलीज की तारीख 16 अक्टूबर 2021 की थी। इसकी लंबाई लगभग 162 मिनट है। इस फिल्म का देश भारत था और इसकी भाषा हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी को साथ है। इसकी कहानी भी सरदार उदय सिंह से शुरू होती है जो कि लंदन में अभी रह रहे हैं। इसे COVID-19 के चलते काफ़ी बार रोका भी जा चुका है। सरदार उधम एक सुजीत सरकार द्वारा निर्देशित और किनोवर्स के सहयोग से राइजिंग सन द्वारा निर्मित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है। इसे रितेश भट्ट शाह द्वारा लिखा गया है। शुजीत सरकार ने अपने कॉलेज के दिनों में उधम सिंह की बायोपिक का विचार रखा और 1990 में और उसके दशक के निर्माण करने की योजना बनाई, लेकिन स्वतंत्र सेनानी पर शोध कार्य में उन्हें लगभग 2 दशक का समय लग गया। इसे अंततः इरफान खान के मुख्य भूमिका के साथ बनाए जाने की भी बात कही,
लेकिन बाद में कौशल को पेशकश की गई और इसमें विक्की कौशल ने अभिनय करने के लिए तुरंत हाँ कहा। इसे रोनी लहिरी शील कुमार के द्वारा निर्मित किया गया। इसकी रिलीज की तारीख 16 अक्टूबर 2021 की थी। इसकी लंबाई लगभग 162 मिनट है। इस फिल्म का देश भारत था और इसकी भाषा हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी को साथ है। इसकी कहानी भी सरदार उदय सिंह से शुरू होती है जो कि लंदन में अभी रह रहे हैं। इसे कोविड-19 के चलते काफ़ी बार रोका भी जा चुका है। सरदार उधम एक सुजीत सरकार द्वारा निर्देशित और किनोवर्स के सहयोग से राइजिंग सन द्वारा निर्मित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है। इसे रितेश भट्ट शाह द्वारा लिखा गया है। सुजीत सरकार ने अपने कॉलेज के दिनों में उधम सिंह की बायोपिक का विचार रखा और 1990 में और उसके दशक के निर्माण करने की योजना बनाई, लेकिन स्वतंत्र सेनानी पर शोध कार्य में उन्हें लगभग 2 दशक का समय लग गया। इसे अंततः इरफान खान के मुख्य भूमिका के साथ बनाए जाने की भी बात कही, लेकिन बाद में कौशल को पेशकश की गई और इसमें विक्की कौशल ने अभिनय करने के लिए तुरंत हाँ कहा। इसे रोनी लहिरी शील कुमार के द्वारा निर्मित किया गया। इसकी रिलीज की तारीख 16 अक्टूबर 2021 की थी। इसकी लंबाई लगभग 162 मिनट है। इस फिल्म का देश भारत था और इसकी भाषा हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी को साथ है। इसकी कहानी भी सरदार उदय सिंह से शुरू होती है जो कि लंदन में अभी रह रहे हैं। इसे कोविड-19 के चलते काफ़ी बार रोका भी जा चुका है। सरदार उधम एक सुजीत सरकार द्वारा निर्देशित और किनोवर्स के सहयोग से राइजिंग सन द्वारा निर्मित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है। इसे रितेश भट्ट शाह द्वारा लिखा गया है। सुजीत सरकार ने अपने कॉलेज के दिनों में उधम सिंह की बायोपिक का विचार रखा और 1990 में और उसके दशक के निर्माण करने की योजना बनाई, लेकिन स्वतंत्र सेनानी पर शोध कार्य में उन्हें लगभग 2 दशक का समय लग गया। इसे अंततः इरफान खान के मुख्य भूमिका के साथ बनाए जाने की भी बात कही, लेकिन बाद में कौशल को पेशकश की गई और इसमें विक्की कौशल ने अभिनय करने के लिए तुरंत हाँ कहा। इसे रोनी लहिरी शील कुमार के द्वारा निर्मित किया गया। इसकी रिलीज की तारीख 16 अक्टूबर 2021 की थी। इसकी लंबाई लगभग 162 मिनट है। इस फिल्म का देश भारत था और इसकी भाषा हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी को साथ है। इसकी कहानी भी सरदार उदय सिंह से शुरू होती है जो कि लंदन में अभी रह रहे हैं। इसे कोविड-19 के चलते काफ़ी बार रोका भी जा चुका है। सरदार उधम एक सुजीत सरकार द्वारा निर्देशित और किनोवर्स के सहयोग से राइजिंग सन द्वारा निर्मित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है। इसे रितेश भट्ट शाह द्वारा लिखा गया है। सुजीत सरकार ने अपने कॉलेज के दिनों में उधम सिंह की बायोपिक का विचार रखा और 1990 में और उसके दशक के निर्माण करने की योजना बनाई, लेकिन स्वतंत्र सेनानी पर शोध कार्य में उन्हें लगभग 2 दशक का समय लग गया। इसे अंततः इरफान खान के मुख्य भूमिका के साथ बनाए जाने की भी बात कही, लेकिन बाद में कौशल को पेशकश की गई और इसमें विक्की कौशल ने अभिनय करने के लिए तुरंत हाँ कहा। इसे रोनी लहिरी शील कुमार के द्वारा निर्मित किया गया। इसकी रिलीज की तारीख 16 अक्टूबर 2021 की थी। इसकी लंबाई लगभग 162 मिनट है। इस फिल्म का देश भारत था और इसकी भाषा हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी को साथ है।
इसकी कहानी भी सरदार उदय सिंह से शुरू होती है जो कि लंदन में अभी रह रहे हैं। इसे COVID-19 के चलते काफ़ी बार रोका भी जा चुका है। सरदार उधम एक सुजीत सरकार द्वारा निर्देशित और किनोवर्स के सहयोग से राइजिंग सन द्वारा निर्मित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है। इसे रितेश भट्ट शाह द्वारा लिखा गया है। सुजीत सरकार ने अपने कॉलेज के दिनों में उधम सिंह की बायोपिक का विचार रखा और 1990 में और उसके दशक के निर्माण करने की योजना बनाई, लेकिन स्वतंत्र सेनानी पर शोध कार्य में उन्हें लगभग 2 दशक का समय लग गया। इसे अंततः इरफान खान के मुख्य भूमिका के साथ बनाए जाने की भी बात कही ही, लेकिन बाद में कौशल को पेशकश की गई और इसमें विकी कौशल ने अभिनय करने के लिए तुरंत हाँ कहा। इसे रोनी लहिरी शील कुमार के द्वारा निर्मित किया गया। इसकी रिलीज की तारीख 16 अक्टूबर 2021 की थी। इसकी लंबाई लगभग 162 मिनट है। इस फिल्म का देश भारत था और इसकी भाषा हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी को साथ है। इसकी कहानी भी सरदार उदय सिंह से शुरू होती है जो कि लंदन में अभी रह रहे हैं। इसे COVID-19 के चलते काफ़ी बार रोका भी जा चुका है। सरदार उधम एक सुजीत सरकार द्वारा निर्देशित और किनोवर्स के सहयोग से राइजिंग सन द्वारा निर्मित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है। इसे रितेश भट्ट शाह द्वारा लिखा गया है। सुजीत सरकार ने अपने कॉलेज के दिनों में उधम सिंह की बायोपिक का विचार रखा और 1990 में और उसके दशक के निर्माण करने की योजना बनाई, लेकिन स्वतंत्र सेनानी पर शोध कार्य में उन्हें लगभग 2 दशक का समय लग गया। इसे अंततः इरफान खान के मुख्य भूमिका के साथ बनाए जाने की भी बात कही ही, लेकिन बाद में कौशल को पेशकश की गई और इसमें विकी कौशल ने अभिनय करने के लिए तुरंत हाँ कहा। इसे रोनी लहिरी शील कुमार के द्वारा निर्मित किया गया। इसकी रिलीज की तारीख 16 अक्टूबर 2021 की थी। इसकी लंबाई लगभग 162 मिनट है। इस फिल्म का देश भारत था और इसकी भाषा हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी को साथ है। इसकी कहानी भी सरदार उदय सिंह से शुरू होती है जो कि लंदन में अभी रह रहे हैं। इसे COVID-19 के चलते काफ़ी बार रोका भी जा चुका है। सरदार उधम एक सुजीत सरकार द्वारा निर्देशित और किनोवर्स के सहयोग से राइजिंग सन द्वारा निर्मित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है। इसे रितेश भट्ट शाह द्वारा लिखा गया है। सुजीत सरकार ने अपने कॉलेज के दिनों में उधम सिंह की बायोपिक का विचार रखा और 1990 में और उसके दशक के निर्माण करने की योजना बनाई, लेकिन स्वतंत्र सेनानी पर शोध कार्य में उन्हें लगभग 2 दशक का समय लग गया। इसे अंततः इरफान खान के मुख्य भूमिका के साथ बनाए जाने की भी बात कही ही, लेकिन बाद में कौशल को पेशकश की गई और इसमें विकी कौशल ने अभिनय करने के लिए तुरंत हाँ कहा। इसे रोनी लहिरी शील कुमार के द्वारा निर्मित किया गया। इसकी रिलीज की तारीख 16 अक्टूबर 2021 की थी। इसकी लंबाई लगभग 162 मिनट है। इस फिल्म का देश भारत था और इसकी भाषा हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी को साथ है। इसकी कहानी भी सरदार उदय सिंह से शुरू होती है जो कि लंदन में अभी रह रहे हैं। इसे COVID-19 के चलते काफ़ी बार रोका भी जा चुका है। सरदार उधम एक सुजीत सरकार द्वारा निर्देशित और किनोवर्स के सहयोग से राइजिंग सन द्वारा
निर्मित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है। इसे रितेश भट्ट शाह द्वारा लिखा गया है। शिवजीत सरकार ने अपने कॉलेज के दिनों में उधम सिंह की बायोपिक का विचार रखा और 1990 में और उसके दशक के निर्माण करने की योजना बनाई, लेकिन स्वतंत्र सेनानी पर शोध कार्य में उन्हें लगभग 2 दशक का समय लग गया। इसे अंततः इरफान खान के मुख्य भूमिका के साथ बनाए जाने की भी बात कही, लेकिन बाद में कौशल को पेशकश की गई और इसमें विक्की कौशल ने अभिनय करने के लिए तुरंत हाँ कहा। इसे रोनी लहिरी शील कुमार के द्वारा निर्मित किया गया। इसकी रिलीज की तारीख 16 अक्टूबर 2021 की थी। इसकी लंबाई लगभग 162 मिनट है। इस फिल्म का देश भारत था और इसकी भाषा हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी को साथ है। इसकी कहानी भी सरदार उदय सिंह से शुरू होती है, जो कि लंदन में अभी रह रहे हैं। इसे COVID-19 के चलते काफ़ी बार रोका भी जा चुका है। सरदार उधम एक सुजीत सरकार द्वारा निर्देशित और किनोवर्स के सहयोग से राइजिंग सन द्वारा निर्मित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है। इसे रितेश भट्ट शाह द्वारा लिखा गया है। शिवजीत सरकार ने अपने कॉलेज के दिनों में उधम सिंह की बायोपिक का विचार रखा और 1990 में और उसके दशक के निर्माण करने की योजना बनाई, लेकिन स्वतंत्र सेनानी पर शोध कार्य में उन्हें लगभग 2 दशक का समय लग गया। इसे अंततः इरफान खान के मुख्य भूमिका के साथ बनाए जाने की भी बात कही, लेकिन बाद में कौशल को पेशकश की गई और इसमें विक्की कौशल ने अभिनय करने के लिए तुरंत हाँ कहा। इसे रोनी लहिरी शील कुमार के द्वारा निर्मित किया गया। इसकी रिलीज की तारीख 16 अक्टूबर 2021 की थी। इसकी लंबाई लगभग 162 मिनट है। इस फिल्म का देश भारत था और इसकी भाषा हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी को साथ है। इसकी कहानी भी सरदार उदय सिंह से शुरू होती है, जो कि लंदन में अभी रह रहे हैं। इसे COVID-19 के चलते काफ़ी बार रोका भी जा चुका है। सरदार उधम एक सुजीत सरकार द्वारा निर्देशित और किनोवर्स के सहयोग से राइजिंग सन द्वारा निर्मित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है। इसे रितेश भट्ट शाह द्वारा लिखा गया है। शिवजीत सरकार ने अपने कॉलेज के दिनों में उधम सिंह की बायोपिक का विचार रखा और 1990 में और उसके दशक के निर्माण करने की योजना बनाई, लेकिन स्वतंत्र सेनानी पर शोध कार्य में उन्हें लगभग 2 दशक का समय लग गया। इसे अंततः इरफान खान के मुख्य भूमिका के साथ बनाए जाने की भी बात कही, लेकिन बाद में कौशल को पेशकश की गई और इसमें विक्की कौशल ने अभिनय करने के लिए तुरंत हाँ कहा। इसे रोनी लहिरी शील कुमार के द्वारा निर्मित किया गया। इसकी रिलीज की तारीख 16 अक्टूबर 2021 की थी। इसकी लंबाई लगभग 162 मिनट है। इस फिल्म का देश भारत था और इसकी भाषा हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी को साथ है। इसकी कहानी भी सरदार उदय सिंह से शुरू होती है, जो कि लंदन में अभी रह रहे हैं। इसे COVID-19 के चलते काफ़ी बार रोका भी जा चुका है। सरदार उधम एक सुजीत सरकार द्वारा निर्देशित और किनोवर्स के सहयोग से राइजिंग सन द्वारा निर्मित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है। इसे रितेश भट्ट शाह द्वारा लिखा गया है। शिवजीत सरकार ने अपने कॉलेज के दिनों में उधम सिंह की बायोपिक का विचार रखा और 1990 में और उसके दशक के निर्माण करने की योजना बनाई, लेकिन स्वतंत्र सेनानी पर शोध कार्य में उन्हें लगभग
दो दशक का समय लग गया। इसे अंततः इरफान खान के मुख्य भूमिका के साथ बनाए जाने की भी बात कही थी, लेकिन बाद में कौशल को पेशकश की गई और इसमें विकी कौशल ने अभिनय करने के लिए तुरंत हाँ कहा। इसे रोनी लहिरी शील कुमार के द्वारा निर्मित किया गया। इसकी रिलीज की तारीख 16 अक्टूबर 2021 की थी। इसकी लंबाई लगभग 162 मिनट है। इस फिल्म का देश भारत था और इसकी भाषा हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी को साथ है। इसकी कहानी भी सरदार उदय सिंह से शुरू होती है, जो कि लंदन में अभी रह रहे हैं। इसे COVID-19 के चलते काफ़ी बार रोका भी जा चुका है। सरदार उधम एक सुजीत सरकार द्वारा निर्देशित और किनोवर्स के सहयोग से राइजिंग सन द्वारा निर्मित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है। इसे रितेश भट्ट शाह द्वारा लिखा गया है। सुजीत सरकार ने अपने कॉलेज के दिनों में उधम सिंह की बायोपिक का विचार रखा और 1990 में और उसके दशक के निर्माण करने की योजना बनाई, लेकिन स्वतंत्र सेनानी पर शोध कार्य में उन्हें लगभग 2 दशक का समय लग गया। इसे अंततः इरफान खान के मुख्य भूमिका के साथ बनाए जाने की भी बात कही थी, लेकिन बाद में कौशल को पेशकश की गई और इसमें विकी कौशल ने अभिनय करने के लिए तुरंत हाँ कहा। इसे रोनी लहिरी शील कुमार के द्वारा निर्मित किया गया। इसकी रिलीज की तारीख 16 अक्टूबर 2021 की थी। इसकी लंबाई लगभग 162 मिनट है। इस फिल्म का देश भारत था और इसकी भाषा हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी को साथ है। इसकी कहानी भी सरदार उदय सिंह से शुरू होती है, जो कि लंदन में अभी रह रहे हैं। इसे COVID-19 के चलते काफ़ी बार रोका भी जा चुका है। सरदार उधम एक सुजीत सरकार द्वारा निर्देशित और किनोवर्स के सहयोग से राइजिंग सन द्वारा निर्मित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है। इसे रितेश भट्ट शाह द्वारा लिखा गया है। सुजीत सरकार ने अपने कॉलेज के दिनों में उधम सिंह की बायोपिक का विचार रखा और 1990 में और उसके दशक के निर्माण करने की योजना बनाई, लेकिन स्वतंत्र सेनानी पर शोध कार्य में उन्हें लगभग 2 दशक का समय लग गया। इसे अंततः इरफान खान के मुख्य भूमिका के साथ बनाए जाने की भी बात कही थी, लेकिन बाद में कौशल को पेशकश की गई और इसमें विकी कौशल ने अभिनय करने के लिए तुरंत हाँ कहा। इसे रोनी लहिरी शील कुमार के द्वारा निर्मित किया गया। इसकी रिलीज की तारीख 16 अक्टूबर 2021 की थी। इसकी लंबाई लगभग 162 मिनट है। इस फिल्म का देश भारत था और इसकी भाषा हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी को साथ है। इसकी कहानी भी सरदार उदय सिंह से शुरू होती है, जो कि लंदन में अभी रह रहे हैं। इसे COVID-19 के चलते काफ़ी बार रोका भी जा चुका है। सरदार उधम एक सुजीत सरकार द्वारा निर्देशित और किनोवर्स के सहयोग से राइजिंग सन द्वारा निर्मित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है। इसे रितेश भट्ट शाह द्वारा लिखा गया है। सुजीत सरकार ने अपने कॉलेज के दिनों में उधम सिंह की बायोपिक का विचार रखा और 1990 में और उसके दशक के निर्माण करने की योजना बनाई, लेकिन स्वतंत्र सेनानी पर शोध कार्य में उन्हें लगभग 2 दशक का समय लग गया। इसे अंततः इरफान खान के मुख्य भूमिका के साथ बनाए जाने की भी बात कही थी, लेकिन बाद में कौशल को पेशकश की गई और इसमें विकी कौशल ने अभिनय करने के लिए तुरंत हाँ कहा। इसे रोनी लहिरी शील कुमार के द्वारा निर्मित किया गया। इसकी रिलीज की तारीख 16 अक्टूबर 2021 की थी।
इसकी लंबाई लगभग 162 मिनट है। इस फिल्म का देश भारत था और इसकी भाषा हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी को साथ है। इसकी कहानी भी सरदार उदय सिंह से शुरू होती है जो कि लंदन में अभी रह रहे हैं। इसे COVID-19 के चलते काफ़ी बार रोका भी जा चुका है। सरदार उधम एक सुजीत सरकार द्वारा निर्देशित और किनोवर्स के सहयोग से राइजिंग सन द्वारा निर्मित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है। इसे रितेश भट्ट शाह द्वारा लिखा गया है। सुजीत सरकार ने अपने कॉलेज के दिनों में उधम सिंह की बायोपिक का विचार रखा और 1990 में और उसके दशक के निर्माण करने की योजना बनाई, लेकिन स्वतंत्र सेनानी पर शोध कार्य में उन्हें लगभग 2 दशक का समय लग गया। इसे अंततः इरफान खान के मुख्य भूमिका के साथ बनाया जाने की भी बात कही, लेकिन बाद में कौशल को पेशकश की गई और इसमें विकी कौशल ने अभिनय करने के लिए तुरंत हाँ कहा। इसे रोनी लहिरी शील कुमार के द्वारा निर्मित किया गया। इसकी रिलीज की तारीख 16 अक्टूबर 2021 की थी। इसकी लंबाई लगभग 162 मिनट है। इस फिल्म का देश भारत था और इसकी भाषा हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी को साथ है। इसकी कहानी भी सरदार उदय सिंह से शुरू होती है जो कि लंदन में अभी रह रहे हैं। इसे COVID-19 के चलते काफ़ी बार रोका भी जा चुका है। सरदार उधम एक सुजीत सरकार द्वारा निर्देशित और किनोवर्स के सहयोग से राइजिंग सन द्वारा निर्मित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है। इसे रितेश भट्ट शाह द्वारा लिखा गया है। सुजीत सरकार ने अपने कॉलेज के दिनों में उधम सिंह की बायोपिक का विचार रखा और 1990 में और उसके दशक के निर्माण करने की योजना बनाई, लेकिन स्वतंत्र सेनानी पर शोध कार्य में उन्हें लगभग 2 दशक का समय लग गया। इसे अंततः इरफान खान के मुख्य भूमिका के साथ बनाया जाने की भी बात कही, लेकिन बाद में कौशल को पेशकश की गई और इसमें विकी कौशल ने अभिनय करने के लिए तुरंत हाँ कहा। इसे रोनी लहिरी शील कुमार के द्वारा निर्मित किया गया। इसकी रिलीज की तारीख 16 अक्टूबर 2021 की थी। इसकी लंबाई लगभग 162 मिनट है। इस फिल्म का देश भारत था और इसकी भाषा हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी को साथ है। इसकी कहानी भी सरदार उदय सिंह से शुरू होती है जो कि लंदन में अभी रह रहे हैं। इसे COVID-19 के चलते काफ़ी बार रोका भी जा चुका है। सरदार उधम एक सुजीत सरकार द्वारा निर्देशित और किनोवर्स के सहयोग से राइजिंग सन द्वारा निर्मित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है। इसे रितेश भट्ट शाह द्वारा लिखा गया है। सुजीत सरकार ने अपने कॉलेज के दिनों में उधम सिंह की बायोपिक का विचार रखा और 1990 में और उसके दशक के निर्माण करने की योजना बनाई, लेकिन स्वतंत्र सेनानी पर शोध कार्य में उन्हें लगभग 2 दशक का समय लग गया। इसे अंततः इरफान खान के मुख्य भूमिका के साथ बनाया जाने की भी बात कही, लेकिन बाद में कौशल को पेशकश की गई और इसमें विकी कौशल ने अभिनय करने के लिए तुरंत हाँ कहा। इसे रोनी लहिरी शील कुमार के द्वारा निर्मित किया गया। इसकी रिलीज की तारीख 16 अक्टूबर 2021 की थी। इसकी लंबाई लगभग 162 मिनट है। इस फिल्म का देश भारत था और इसकी भाषा हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी को साथ है। इसकी कहानी भी सरदार उदय सिंह से शुरू होती है जो कि लंदन में अभी रह रहे हैं। इसे COVID-19 के चलते काफ़ी बार रोका भी जा चुका है। सरदार उधम
एक सुजीत सरकार द्वारा निर्देशित और किनोवर्स के सहयोग से राइजिंग सन द्वारा निर्मित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है। इसे रितेश भट्ट शाह द्वारा लिखा गया है। सुजीत सरकार ने अपने कॉलेज के दिनों में उधम सिंह की बायोपिक का विचार रखा और 1990 में और उसके दशक के निर्माण करने की योजना बनाई, लेकिन स्वतंत्र सेनानी पर शोध कार्य में उन्हें लगभग 2 दशक का समय लग गया। इसे अंततः इरफान खान के मुख्य भूमिका के साथ बनाए जाने की भी बात कही, लेकिन बाद में कौशल को पेशकश की गई और इसमें विकी कौशल ने अभिनय करने के लिए तुरंत हाँ कहा। इसे रोनी लहिरी शील कुमार के द्वारा निर्मित किया गया। इसकी रिलीज की तारीख 16 अक्टूबर 2021 की थी। इसकी लंबाई लगभग 162 मिनट है। इस फिल्म का देश भारत था और इसकी भाषा हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी को साथ है। इसकी कहानी भी सरदार उदय सिंह से शुरू होती है जो कि लंदन में अभी रह रहे हैं। इसे COVID-19 के चलते काफ़ी बार रोका भी जा चुका है। सरदार उधम एक सुजीत सरकार द्वारा निर्देशित और किनोवर्स के सहयोग से राइजिंग सन द्वारा निर्मित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है। इसे रितेश भट्ट शाह द्वारा लिखा गया है। सुजीत सरकार ने अपने कॉलेज के दिनों में उधम सिंह की बायोपिक का विचार रखा और 1990 में और उसके दशक के निर्माण करने की योजना बनाई, लेकिन स्वतंत्र सेनानी पर शोध कार्य में उन्हें लगभग 2 दशक का समय लग गया। इसे अंततः इरफान खान के मुख्य भूमिका के साथ बनाए जाने की भी बात कही, लेकिन बाद में कौशल को पेशकश की गई और इसमें विकी कौशल ने अभिनय करने के लिए तुरंत हाँ कहा। इसे रोनी लहिरी शील कुमार के द्वारा निर्मित किया गया। इसकी रिलीज की तारीख 16 अक्टूबर 2021 की थी। इसकी लंबाई लगभग 162 मिनट है। इस फिल्म का देश भारत था और इसकी भाषा हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी को साथ है। इसकी कहानी भी सरदार उदय सिंह से शुरू होती है जो कि लंदन में अभी रह रहे हैं। इसे COVID-19 के चलते काफ़ी बार रोका भी जा चुका है। सरदार उधम एक सुजीत सरकार द्वारा निर्देशित और किनोवर्स के सहयोग से राइजिंग सन द्वारा निर्मित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है। इसे रितेश भट्ट शाह द्वारा लिखा गया है। सुजीत सरकार ने अपने कॉलेज के दिनों में उधम सिंह की बायोपिक का विचार रखा और 1990 में और उसके दशक के निर्माण करने की योजना बनाई, लेकिन स्वतंत्र सेनानी पर शोध कार्य में उन्हें लगभग 2 दशक का समय लग गया। इसे अंततः इरफान खान के मुख्य भूमिका के साथ बनाए जाने की भी बात कही, लेकिन बाद में कौशल को पेशकश की गई और इसमें विकी कौशल ने अभिनय करने के लिए तुरंत हाँ कहा। इसे रोनी लहिरी शील कुमार के द्वारा निर्मित किया गया। इसकी रिलीज की तारीख 16 अक्टूबर 2021 की थी। इसकी लंबाई लगभग 162 मिनट है। इस फिल्म का देश भारत था और इसकी भाषा हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी को साथ है। इसकी कहानी भी सरदार उदय सिंह से शुरू होती है जो कि लंदन में अभी रह रहे हैं। इसे COVID-19 के चलते काफ़ी बार रोका भी जा चुका है। सरदार उधम एक सुजीत सरकार द्वारा निर्देशित और किनोवर्स के सहयोग से राइजिंग सन द्वारा निर्मित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है। इसे रितेश भट्ट शाह द्वारा लिखा गया है। सुजीत सरकार ने अपने कॉलेज के दिनों में उधम सिंह की बायोपिक का विचार रखा और 1990 में
और उसके दशक के निर्माण करने की योजना बनाई, लेकिन स्वतंत्र सेनानी पर शोध कार्य में उन्हें लगभग 2 दशक का समय लग गया। इसे अंततः इरफान खान के मुख्य भूमिका के साथ बनाए जाने की भी बात कही, लेकिन बाद में कौशल को पेशकश की गई और इसमें विकी कौशल ने अभिनय करने के लिए तुरंत हाँ कहा। इसे रोनी लहिरी शील कुमार के द्वारा निर्मित किया गया। इसकी रिलीज की तारीख 16 अक्टूबर 2021 की थी। इसकी लंबाई लगभग 162 मिनट है। इस फिल्म का देश भारत था और इसकी भाषा हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी को साथ है। इसकी कहानी भी सरदार उदय सिंह से शुरू होती है, जो कि लंदन में अभी रह रहे हैं। इसे COVID-19 के चलते काफ़ी बार रोका भी जा चुका है। सरदार उधम एक सुजीत सरकार द्वारा निर्देशित और किनोवर्स के सहयोग से राइजिंग सन द्वारा निर्मित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है। इसे रितेश भट्ट शाह द्वारा लिखा गया है। सुजीत सरकार ने अपने कॉलेज के दिनों में उधम सिंह की बायोपिक का विचार रखा और 1990 में और उसके दशक के निर्माण करने की योजना बनाई, लेकिन स्वतंत्र सेनानी पर शोध कार्य में उन्हें लगभग 2 दशक का समय लग गया। इसे अंततः इरफान खान के मुख्य भूमिका के साथ बनाए जाने की भी बात कही, लेकिन बाद में कौशल को पेशकश की गई और इसमें विकी कौशल ने अभिनय करने के लिए तुरंत हाँ कहा। इसे रोनी लहिरी शील कुमार के द्वारा निर्मित किया गया। इसकी रिलीज की तारीख 16 अक्टूबर 2021 की थी। इसकी लंबाई लगभग 162 मिनट है। इस फिल्म का देश भारत था और इसकी भाषा हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी को साथ है। इसकी कहानी भी सरदार उदय सिंह से शुरू होती है, जो कि लंदन में अभी रह रहे हैं। इसे COVID-19 के चलते काफ़ी बार रोका भी जा चुका है। सरदार उधम एक सुजीत सरकार द्वारा निर्देशित और किनोवर्स के सहयोग से राइजिंग सन द्वारा निर्मित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है। इसे रितेश भट्ट शाह द्वारा लिखा गया है। सुजीत सरकार ने अपने कॉलेज के दिनों में उधम सिंह की बायोपिक का विचार रखा और 1990 में और उसके दशक के निर्माण करने की योजना बनाई, लेकिन स्वतंत्र सेनानी पर शोध कार्य में उन्हें लगभग 2 दशक का समय लग गया। इसे अंततः इरफान खान के मुख्य भूमिका के साथ बनाए जाने की भी बात कही, लेकिन बाद में कौशल को पेशकश की गई और इसमें विकी कौशल ने अभिनय करने के लिए तुरंत हाँ कहा। इसे रोनी लहिरी शील कुमार के द्वारा निर्मित किया गया। इसकी रिलीज की तारीख 16 अक्टूबर 2021 की थी। इसकी लंबाई लगभग 162 मिनट है। इस फिल्म का देश भारत था और इसकी भाषा हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी को साथ है। इसकी कहानी भी सरदार उदय सिंह से शुरू होती है, जो कि लंदन में अभी रह रहे हैं। इसे COVID-19 के चलते काफ़ी बार रोका भी जा चुका है। सरदार उधम एक सुजीत सरकार द्वारा निर्देशित और किनोवर्स के सहयोग से राइजिंग सन द्वारा निर्मित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है। इसे रितेश भट्ट शाह द्वारा लिखा गया है। सुजीत सरकार ने अपने कॉलेज के दिनों में उधम सिंह की बायोपिक का विचार रखा और 1990 में और उसके दशक के निर्माण करने की योजना बनाई, लेकिन स्वतंत्र सेनानी पर शोध कार्य में उन्हें लगभग 2 दशक का समय लग गया। इसे अंततः इरफान खान के मुख्य भूमिका के साथ बनाए जाने की भी बात कही, लेकिन बाद में कौशल को पेशकश की गई और इसमें विकी कौशल ने अभिनय करने के लिए तुरंत हाँ कहा।
इसे रोनी लहिरी शील कुमार के द्वारा निर्मित किया गया। इसकी रिलीज की तारीख 16 अक्टूबर 2021 की थी। इसकी लंबाई लगभग 162 मिनट है। इस फिल्म का देश भारत था और इसकी भाषा हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी को साथ है। इसकी कहानी भी सरदार उदय सिंह से शुरू होती है जो कि लंदन में अभी रह रहे हैं। इसे कोविड-19 के चलते काफ़ी बार रोका भी जा चुका है। सरदार उधम एक सुजीत सरकार द्वारा निर्देशित और किनोवर्स के सहयोग से राइजिंग सन द्वारा निर्मित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है। इसे रितेश भट्ट शाह द्वारा लिखा गया है। सुजीत सरकार ने अपने कॉलेज के दिनों में उधम सिंह की बायोपिक का विचार रखा और 1990 में और उसके दशक के निर्माण करने की योजना बनाई, लेकिन स्वतंत्र सेनानी पर शोध कार्य में उन्हें लगभग 2 दशक का समय लग गया। इसे अंततः इरफान खान के मुख्य भूमिका के साथ बनाए जाने की भी बात कही थी, लेकिन बाद में कौशल को पेशकश की गई और इसमें विकी कौशल ने अभिनय करने के लिए तुरंत हाँ कहा। इसे रोनी लहिरी शील कुमार के द्वारा निर्मित किया गया। इसकी रिलीज की तारीख 16 अक्टूबर 2021 की थी। इसकी लंबाई लगभग 162 मिनट है। इस फिल्म का देश भारत था और इसकी भाषा हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी को साथ है। इसकी कहानी भी सरदार उदय सिंह से शुरू होती है जो कि लंदन में अभी रह रहे हैं। इसे कोविड-19 के चलते काफ़ी बार रोका भी जा चुका है। सरदार उधम एक सुजीत सरकार द्वारा निर्देशित और किनोवर्स के सहयोग से राइजिंग सन द्वारा निर्मित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है। इसे रितेश भट्ट शाह द्वारा लिखा गया है। सुजीत सरकार ने अपने कॉलेज के दिनों में उधम सिंह की बायोपिक का विचार रखा और 1990 में और उसके दशक के निर्माण करने की योजना बनाई, लेकिन स्वतंत्र सेनानी पर शोध कार्य में उन्हें लगभग 2 दशक का समय लग गया। इसे अंततः इरफान खान के मुख्य भूमिका के साथ बनाए जाने की भी बात कही थी, लेकिन बाद में कौशल को पेशकश की गई और इसमें विकी कौशल ने अभिनय करने के लिए तुरंत हाँ कहा। इसे रोनी लहिरी शील कुमार के द्वारा निर्मित किया गया। इसकी रिलीज की तारीख 16 अक्टूबर 2021 की थी। इसकी लंबाई लगभग 162 मिनट है। इस फिल्म का देश भारत था और इसकी भाषा हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी को साथ है। इसकी कहानी भी सरदार उदय सिंह से शुरू होती है जो कि लंदन में अभी रह रहे हैं। इसे कोविड-19 के चलते काफ़ी बार रोका भी जा चुका है। सरदार उधम एक सुजीत सरकार द्वारा निर्देशित और किनोवर्स के सहयोग से राइजिंग सन द्वारा निर्मित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है। इसे रितेश भट्ट शाह द्वारा लिखा गया है। सुजीत सरकार ने अपने कॉलेज के दिनों में उधम सिंह की बायोपिक का विचार रखा और 1990 में और उसके दशक के निर्माण करने की योजना बनाई, लेकिन स्वतंत्र सेनानी पर शोध कार्य में उन्हें लगभग 2 दशक का समय लग गया। इसे अंततः इरफान खान के मुख्य भूमिका के साथ बनाए जाने की भी बात कही थी, लेकिन बाद में कौशल को पेशकश की गई और इसमें विकी कौशल ने अभिनय करने के लिए तुरंत हाँ कहा। इसे रोनी लहिरी शील कुमार के द्वारा निर्मित किया गया। इसकी रिलीज की तारीख 16 अक्टूबर 2021 की थी। इसकी लंबाई लगभग 162 मिनट है। इस फिल्म का देश भारत था और इसकी भाषा हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी को साथ है। इसकी कहानी भी सरदार उदय सिंह से शुरू होती है जो कि लंदन में अभी रह रहे हैं।
इसे कोविड-19 के चलते काफी बार रोका भी जा चुका है। सरदार उधम एक सुजीत सरकार द्वारा निर्देशित और किनोवर्स के सहयोग से राइजिंग सन द्वारा निर्मित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है। इसे रितेश भट्ट शाह द्वारा लिखा गया है। सुजीत सरकार ने अपने कॉलेज के दिनों में उधम सिंह की बायोपिक का विचार रखा और 1990 में और उसके दशक के निर्माण करने की योजना बनाई, लेकिन स्वतंत्र सेनानी पर शोध कार्य में उन्हें लगभग 2 दशक का समय लग गया। इसे अंततः इरफान खान के मुख्य भूमिका के साथ बनाए जाने की भी बात कही, लेकिन बाद में कौशल को पेशकश की गई और इसमें विकी कौशल ने अभिनय करने के लिए तुरंत हाँ कहा। इसे रोनी लहिरी शील कुमार के द्वारा निर्मित किया गया। इसकी रिलीज की तारीख 16 अक्टूबर 2021 की थी। इसकी लंबाई लगभग 162 मिनट है। इस फिल्म का देश भारत था और इसकी भाषा हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी को साथ है। इसकी कहानी भी सरदार उदय सिंह से शुरू होती है जो कि लंदन में अभी रह रहे हैं। इसे कोविड-19 के चलते काफ़ी बार रोका भी जा चुका है। सरदार उधम एक सुजीत सरकार द्वारा निर्देशित और किनोवर्स के सहयोग से राइजिंग सन द्वारा निर्मित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है। इसे रितेश भट्ट शाह द्वारा लिखा गया है। सुजीत सरकार ने अपने कॉलेज के दिनों में उधम सिंह की बायोपिक का विचार रखा और 1990 में और उसके दशक के निर्माण करने की योजना बनाई, लेकिन स्वतंत्र सेनानी पर शोध कार्य में उन्हें लगभग 2 दशक का समय लग गया। इसे अंततः इरफान खान के मुख्य भूमिका के साथ बनाए जाने की भी बात कही, लेकिन बाद में कौशल को पेशकश की गई और इसमें विकी कौशल ने अभिनय करने के लिए तुरंत हाँ कहा। इसे रोनी लहिरी शील कुमार के द्वारा निर्मित किया गया। इसकी रिलीज की तारीख 16 अक्टूबर 2021 की थी। इसकी लंबाई लगभग 162 मिनट है। इस फिल्म का देश भारत था और इसकी भाषा हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी को साथ है। इसकी कहानी भी सरदार उदय सिंह से शुरू होती है जो कि लंदन में अभी रह रहे हैं। इसे कोविड-19 के चलते काफ़ी बार रोका भी जा चुका है। सरदार उधम एक सुजीत सरकार द्वारा निर्देशित और किनोवर्स के सहयोग से राइजिंग सन द्वारा निर्मित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है। इसे रितेश भट्ट शाह द्वारा लिखा गया है। सुजीत सरकार ने अपने कॉलेज के दिनों में उधम सिंह की बायोपिक का विचार रखा और 1990 में और उसके दशक के निर्माण करने की योजना बनाई, लेकिन स्वतंत्र सेनानी पर शोध कार्य में उन्हें लगभग 2 दशक का समय लग गया। इसे अंततः इरफान खान के मुख्य भूमिका के साथ बनाए जाने की भी बात कही, लेकिन बाद में कौशल को पेशकश की गई और इसमें विकी कौशल ने अभिनय करने के लिए तुरंत हाँ कहा। इसे रोनी लहिरी शील कुमार के द्वारा निर्मित किया गया। इसकी रिलीज की तारीख 16 अक्टूबर 2021 की थी। इसकी लंबाई लगभग 162 मिनट है। इस फिल्म का देश भारत था और इसकी भाषा हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी को साथ है। इसकी कहानी भी सरदार उदय सिंह से शुरू होती है जो कि लंदन में अभी रह रहे हैं। इसे कोविड-19 के चलते काफ़ी बार रोका भी जा चुका है। सरदार उधम एक सुजीत सरकार द्वारा निर्देशित और किनोवर्स के सहयोग से राइजिंग सन द्वारा निर्मित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है। इसे रितेश भट्ट शाह द्वारा लिखा गया है।
शिवजीत सरकार ने अपने कॉलेज के दिनों में उधम सिंह की बायोपिक का विचार रखा और 1990 में और उसके दशक के निर्माण करने की योजना बनाई, लेकिन स्वतंत्र सेनानी पर शोध कार्य में उन्हें लगभग 2 दशक का समय लग गया। इसे अंततः इरफान खान के मुख्य भूमिका के साथ बनाए जाने की भी बात कही, लेकिन बाद में कौशल को पेशकश की गई और इसमें विकी कौशल ने अभिनय करने के लिए तुरंत हाँ कहा। इसे रोनी लहिरी शील कुमार के द्वारा निर्मित किया गया। इसकी रिलीज की तारीख 16 अक्टूबर 2021 की थी। इसकी लंबाई लगभग 162 मिनट है। इस फिल्म का देश भारत था और इसकी भाषा हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी को साथ है। इसकी कहानी भी सरदार उदय सिंह से शुरू होती है जो कि लंदन में अभी रह रहे हैं। इसे COVID-19 के चलते काफ़ी बार रोका भी जा चुका है। सरदार उधम एक सुजीत सरकार द्वारा निर्देशित और किनोवर्स के सहयोग से राइजिंग सन द्वारा निर्मित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है। इसे रितेश भट्ट शाह द्वारा लिखा गया है। शिवजीत सरकार ने अपने कॉलेज के दिनों में उधम सिंह की बायोपिक का विचार रखा और 1990 में और उसके दशक के निर्माण करने की योजना बनाई, लेकिन स्वतंत्र सेनानी पर शोध कार्य में उन्हें लगभग 2 दशक का समय लग गया। इसे अंततः इरफान खान के मुख्य भूमिका के साथ बनाए जाने की भी बात कही, लेकिन बाद में कौशल को पेशकश की गई और इसमें विकी कौशल ने अभिनय करने के लिए तुरंत हाँ कहा। इसे रोनी लहिरी शील कुमार के द्वारा निर्मित किया गया। इसकी रिलीज की तारीख 16 अक्टूबर 2021 की थी। इसकी लंबाई लगभग 162 मिनट है। इस फिल्म का देश भारत था और इसकी भाषा हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी को साथ है। इसकी कहानी भी सरदार उदय सिंह से शुरू होती है जो कि लंदन में अभी रह रहे हैं। इसे COVID-19 के चलते काफ़ी बार रोका भी जा चुका है। सरदार उधम एक सुजीत सरकार द्वारा निर्देशित और किनोवर्स के सहयोग से राइजिंग सन द्वारा निर्मित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है। इसे रितेश भट्ट शाह द्वारा लिखा गया है। शिवजीत सरकार ने अपने कॉलेज के दिनों में उधम सिंह की बायोपिक का विचार रखा और 1990 में और उसके दशक के निर्माण करने की योजना बनाई, लेकिन स्वतंत्र सेनानी पर शोध कार्य में उन्हें लगभग 2 दशक का समय लग गया। इसे अंततः इरफान खान के मुख्य भूमिका के साथ बनाए जाने की भी बात कही, लेकिन बाद में कौशल को पेशकश की गई और इसमें विकी कौशल ने अभिनय करने के लिए तुरंत हाँ कहा। इसे रोनी लहिरी शील कुमार के द्वारा निर्मित किया गया। इसकी रिलीज की तारीख 16 अक्टूबर 2021 की थी। इसकी लंबाई लगभग 162 मिनट है। इस फिल्म का देश भारत था और इसकी भाषा हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी को साथ है। इसकी कहानी भी सरदार उदय सिंह से शुरू होती है जो कि लंदन में अभी रह रहे हैं। इसे COVID-19 के चलते काफ़ी बार रोका भी जा चुका है। सरदार उधम एक सुजीत सरकार द्वारा निर्देशित और किनोवर्स के सहयोग से राइजिंग सन द्वारा निर्मित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है। इसे रितेश भट्ट शाह द्वारा लिखा गया है। शिवजीत सरकार ने अपने कॉलेज के दिनों में उधम सिंह की बायोपिक का विचार रखा और 1990 में और उसके दशक के निर्माण करने की योजना बनाई, लेकिन स्वतंत्र सेनानी पर शोध कार्य में उन्हें लगभग 2 दशक का समय लग गया। इसे अंततः इरफान खान के मुख्य भूमिका के साथ बनाए जाने की भी बात कही,
लेकिन बाद में कौशल को पेशकश की गई और इसमें विक्की कौशल ने अभिनय करने के लिए तुरंत हाँ कहा। इसे रोनी लहिरी शील कुमार के द्वारा निर्मित किया गया। इसकी रिलीज की तारीख 16 अक्टूबर 2021 की थी। इसकी लंबाई लगभग 162 मिनट है। इस फिल्म का देश भारत था और इसकी भाषा हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी को साथ है। इसकी कहानी भी सरदार उदय सिंह से शुरू होती है जो कि लंदन में अभी रह रहे हैं। इसे COVID-19 के चलते काफ़ी बार रोका भी जा चुका है। सरदार उधम एक सुजीत सरकार द्वारा निर्देशित और किनोवर्स के सहयोग से राइजिंग सन द्वारा निर्मित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है। इसे रितेश भट्ट शाह द्वारा लिखा गया है। सुजीत सरकार ने अपने कॉलेज के दिनों में उधम सिंह की बायोपिक का विचार रखा और 1990 में और उसके दशक के निर्माण करने की योजना बनाई, लेकिन स्वतंत्र सेनानी पर शोध कार्य में उन्हें लगभग 2 दशक का समय लग गया। इसे अंततः इरफान खान के मुख्य भूमिका के साथ बनाए जाने की भी बात कही थी, लेकिन बाद में कौशल को पेशकश की गई और इसमें विक्की कौशल ने अभिनय करने के लिए तुरंत हाँ कहा। इसे रोनी लहिरी शील कुमार के द्वारा निर्मित किया गया। इसकी रिलीज की तारीख 16 अक्टूबर 2021 की थी। इसकी लंबाई लगभग 162 मिनट है। इस फिल्म का देश भारत था और इसकी भाषा हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी को साथ है। इसकी कहानी भी सरदार उदय सिंह से शुरू होती है जो कि लंदन में अभी रह रहे हैं। इसे COVID-19 के चलते काफ़ी बार रोका भी जा चुका है। सरदार उधम एक सुजीत सरकार द्वारा निर्देशित और किनोवर्स के सहयोग से राइजिंग सन द्वारा निर्मित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है। इसे रितेश भट्ट शाह द्वारा लिखा गया है। सुजीत सरकार ने अपने कॉलेज के दिनों में उधम सिंह की बायोपिक का विचार रखा और 1990 में और उसके दशक के निर्माण करने की योजना बनाई, लेकिन स्वतंत्र सेनानी पर शोध कार्य में उन्हें लगभग 2 दशक का समय लग गया। इसे अंततः इरफान खान के मुख्य भूमिका के साथ बनाए जाने की भी बात कही थी, लेकिन बाद में कौशल को पेशकश की गई और इसमें विक्की कौशल ने अभिनय करने के लिए तुरंत हाँ कहा। इसे रोनी लहिरी शील कुमार के द्वारा निर्मित किया गया। इसकी रिलीज की तारीख 16 अक्टूबर 2021 की थी। इसकी लंबाई लगभग 162 मिनट है। इस फिल्म का देश भारत था और इसकी भाषा हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी को साथ है। इसकी कहानी भी सरदार उदय सिंह से शुरू होती है जो कि लंदन में अभी रह रहे हैं। इसे COVID-19 के चलते काफ़ी बार रोका भी जा चुका है। सरदार उधम एक सुजीत सरकार द्वारा निर्देशित और किनोवर्स के सहयोग से राइजिंग सन द्वारा निर्मित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है। इसे रितेश भट्ट शाह द्वारा लिखा गया है। सुजीत सरकार ने अपने कॉलेज के दिनों में उधम सिंह की बायोपिक का विचार रखा और 1990 में और उसके दशक के निर्माण करने की योजना बनाई, लेकिन स्वतंत्र सेनानी पर शोध कार्य में उन्हें लगभग 2 दशक का समय लग गया। इसे अंततः इरफान खान के मुख्य भूमिका के साथ बनाए जाने की भी बात कही थी, लेकिन बाद में कौशल को पेशकश की गई और इसमें विक्की कौशल ने अभिनय करने के लिए तुरंत हाँ कहा। इसे रोनी लहिरी शील कुमार के द्वारा निर्मित किया गया। इसकी रिलीज की तारीख 16 अक्टूबर 2021 की थी। इसकी लंबाई लगभग 162 मिनट है। इस फिल्म का देश भारत था और इसकी भाषा हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी को साथ है।
इसकी कहानी भी सरदार उदय सिंह से शुरू होती है जो कि लंदन में अभी रह रहे हैं। इसे COVID-19 के चलते काफ़ी बार रोका भी जा चुका है। सरदार उधम एक सुजीत सरकार द्वारा निर्देशित और किनोवर्स के सहयोग से राइजिंग सन द्वारा निर्मित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है। इसे रितेश भट्ट शाह द्वारा लिखा गया है। सुजीत सरकार ने अपने कॉलेज के दिनों में उधम सिंह की बायोपिक का विचार रखा और 1990 में और उसके दशक के निर्माण करने की योजना बनाई, लेकिन स्वतंत्र सेनानी पर शोध कार्य में उन्हें लगभग 2 दशक का समय लग गया। इसे अंततः इरफान खान के मुख्य भूमिका के साथ बनाए जाने की भी बात कही, लेकिन बाद में कौशल को पेशकश की गई और इसमें विकी कौशल ने अभिनय करने के लिए तुरंत हाँ कहा। इसे रोनी लहिरी शील कुमार के द्वारा निर्मित किया गया। इसकी रिलीज की तारीख 16 अक्टूबर 2021 की थी। इसकी लंबाई लगभग 162 मिनट है। इस फिल्म का देश भारत था और इसकी भाषा हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी को साथ है। इसकी कहानी भी सरदार उदय सिंह से शुरू होती है जो कि लंदन में अभी रह रहे हैं। इसे COVID-19 के चलते काफ़ी बार रोका भी जा चुका है। सरदार उधम एक सुजीत सरकार द्वारा निर्देशित और किनोवर्स के सहयोग से राइजिंग सन द्वारा निर्मित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है। इसे रितेश भट्ट शाह द्वारा लिखा गया है। सुजीत सरकार ने अपने कॉलेज के दिनों में उधम सिंह की बायोपिक का विचार रखा और 1990 में और उसके दशक के निर्माण करने की योजना बनाई, लेकिन स्वतंत्र सेनानी पर शोध कार्य में उन्हें लगभग 2 दशक का समय लग गया। इसे अंततः इरफान खान के मुख्य भूमिका के साथ बनाए जाने की भी बात कही, लेकिन बाद में कौशल को पेशकश की गई और इसमें विकी कौशल ने अभिनय करने के लिए तुरंत हाँ कहा। इसे रोनी लहिरी शील कुमार के द्वारा निर्मित किया गया। इसकी रिलीज की तारीख 16 अक्टूबर 2021 की थी। इसकी लंबाई लगभग 162 मिनट है। इस फिल्म का देश भारत था और इसकी भाषा हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी को साथ है। इसकी कहानी भी सरदार उदय सिंह से शुरू होती है जो कि लंदन में अभी रह रहे हैं। इसे COVID-19 के चलते काफ़ी बार रोका भी जा चुका है। सरदार उधम एक सुजीत सरकार द्वारा निर्देशित और किनोवर्स के सहयोग से राइजिंग सन द्वारा निर्मित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है। इसे रितेश भट्ट शाह द्वारा लिखा गया है। सुजीत सरकार ने अपने कॉलेज के दिनों में उधम सिंह की बायोपिक का विचार रखा और 1990 में और उसके दशक के निर्माण करने की योजना बनाई, लेकिन स्वतंत्र सेनानी पर शोध कार्य में उन्हें लगभग 2 दशक का समय लग गया। इसे अंततः इरफान खान के मुख्य भूमिका के साथ बनाए जाने की भी बात कही, लेकिन बाद में कौशल को पेशकश की गई और इसमें विकी कौशल ने अभिनय करने के लिए तुरंत हाँ कहा। इसे रोनी लहिरी शील कुमार के द्वारा निर्मित किया गया। इसकी रिलीज की तारीख 16 अक्टूबर 2021 की थी। इसकी लंबाई लगभग 162 मिनट है। इस फिल्म का देश भारत था और इसकी भाषा हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी को साथ है। इसकी कहानी भी सरदार उदय सिंह से शुरू होती है जो कि लंदन में अभी रह रहे हैं। इसे COVID-19 के चलते काफ़ी बार रोका भी जा चुका है। सरदार उधम एक सुजीत सरकार द्वारा निर्देशित और किनोवर्स के सहयोग से राइजिंग सन द्वारा
निर्मित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है। इसे रितेश भट्ट शाह द्वारा लिखा गया है। सुजीत सरकार ने अपने कॉलेज के दिनों में उधम सिंह की बायोपिक का विचार रखा और 1990 में और उसके दशक के निर्माण करने की योजना बनाई, लेकिन स्वतंत्र सेनानी पर शोध कार्य में उन्हें लगभग 2 दशक का समय लग गया। इसे अंततः इरफान खान के मुख्य भूमिका के साथ बनाए जाने की भी बात कही, लेकिन बाद में कौशल को पेशकश की गई और इसमें विकी कौशल ने अभिनय करने के लिए तुरंत हाँ कहा। इसे रोनी लहिरी शील कुमार के द्वारा निर्मित किया गया। इसकी रिलीज की तारीख 16 अक्टूबर 2021 की थी। इसकी लंबाई लगभग 162 मिनट है। इस फिल्म का देश भारत था और इसकी भाषा हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी को साथ है। इसकी कहानी भी सरदार उदय सिंह से शुरू होती है, जो कि लंदन में अभी रह रहे हैं। इसे COVID-19 के चलते काफ़ी बार रोका भी जा चुका है। सरदार उधम एक सुजीत सरकार द्वारा निर्देशित और किनोवर्स के सहयोग से राइजिंग सन द्वारा निर्मित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है। इसे रितेश भट्ट शाह द्वारा लिखा गया है। सुजीत सरकार ने अपने कॉलेज के दिनों में उधम सिंह की बायोपिक का विचार रखा और 1990 में और उसके दशक के निर्माण करने की योजना बनाई, लेकिन स्वतंत्र सेनानी पर शोध कार्य में उन्हें लगभग 2 दशक का समय लग गया। इसे अंततः इरफान खान के मुख्य भूमिका के साथ बनाए जाने की भी बात कही, लेकिन बाद में कौशल को पेशकश की गई और इसमें विकी कौशल ने अभिनय करने के लिए तुरंत हाँ कहा। इसे रोनी लहिरी शील कुमार के द्वारा निर्मित किया गया। इसकी रिलीज की तारीख 16 अक्टूबर 2021 की थी। इसकी लंबाई लगभग 162 मिनट है। इस फिल्म का देश भारत था और इसकी भाषा हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी को साथ है। इसकी कहानी भी सरदार उदय सिंह से शुरू होती है, जो कि लंदन में अभी रह रहे हैं। इसे COVID-19 के चलते काफ़ी बार रोका भी जा चुका है। सरदार उधम एक सुजीत सरकार द्वारा निर्देशित और किनोवर्स के सहयोग से राइजिंग सन द्वारा निर्मित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है। इसे रितेश भट्ट शाह द्वारा लिखा गया है। सुजीत सरकार ने अपने कॉलेज के दिनों में उधम सिंह की बायोपिक का विचार रखा और 1990 में और उसके दशक के निर्माण करने की योजना बनाई, लेकिन स्वतंत्र सेनानी पर शोध कार्य में उन्हें लगभग 2 दशक का समय लग गया। इसे अंततः इरफान खान के मुख्य भूमिका के साथ बनाए जाने की भी बात कही, लेकिन बाद में कौशल को पेशकश की गई और इसमें विकी कौशल ने अभिनय करने के लिए तुरंत हाँ कहा। इसे रोनी लहिरी शील कुमार के द्वारा निर्मित किया गया। इसकी रिलीज की तारीख 16 अक्टूबर 2021 की थी। इसकी लंबाई लगभग 162 मिनट है। इस फिल्म का देश भारत था और इसकी भाषा हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी को साथ है। इसकी कहानी भी सरदार उदय सिंह से शुरू होती है, जो कि लंदन में अभी रह रहे हैं। इसे COVID-19 के चलते काफ़ी बार रोका भी जा चुका है। सरदार उधम एक सुजीत सरकार द्वारा निर्देशित और किनोवर्स के सहयोग से राइजिंग सन द्वारा निर्मित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है। इसे रितेश भट्ट शाह द्वारा लिखा गया है। सुजीत सरकार ने अपने कॉलेज के दिनों में उधम सिंह की बायोपिक का विचार रखा और 1990 में और उसके दशक के निर्माण करने की योजना बनाई, लेकिन स्वतंत्र सेनानी पर शोध कार्य में उन्हें लगभग
दो दशक का समय लग गया। इसे अंततः इरफान खान के मुख्य भूमिका के साथ बनाए जाने की भी बात कही, लेकिन बाद में कौशल को पेशकश की गई और इसमें विकी कौशल ने अभिनय करने के लिए तुरंत हाँ कहा। इसे रोनी लहिरी शील कुमार के द्वारा निर्मित किया गया। इसकी रिलीज की तारीख 16 अक्टूबर 2021 की थी। इसकी लंबाई लगभग 162 मिनट है। इस फिल्म का देश भारत था और इसकी भाषा हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी को साथ है। इसकी कहानी भी सरदार उदय सिंह से शुरू होती है जो कि लंदन में अभी रह रहे हैं। इसे कोविड-19 के चलते काफ़ी बार रोका भी जा चुका है। सरदार उधम एक सुजीत सरकार द्वारा निर्देशित और किनोवर्स के सहयोग से राइजिंग सन द्वारा निर्मित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है। इसे रितेश भट्ट शाह द्वारा लिखा गया है। सुजीत सरकार ने अपने कॉलेज के दिनों में उधम सिंह की बायोपिक का विचार रखा और 1990 में और उसके दशक के निर्माण करने की योजना बनाई, लेकिन स्वतंत्र सेनानी पर शोध कार्य में उन्हें लगभग 2 दशक का समय लग गया। इसे अंततः इरफान खान के मुख्य भूमिका के साथ बनाए जाने की भी बात कही, लेकिन बाद में कौशल को पेशकश की गई और इसमें विकी कौशल ने अभिनय करने के लिए तुरंत हाँ कहा। इसे रोनी लहिरी शील कुमार के द्वारा निर्मित किया गया। इसकी रिलीज की तारीख 16 अक्टूबर 2021 की थी। इसकी लंबाई लगभग 162 मिनट है। इस फिल्म का देश भारत था और इसकी भाषा हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी को साथ है। इसकी कहानी भी सरदार उदय सिंह से शुरू होती है जो कि लंदन में अभी रह रहे हैं। इसे कोविड-19 के चलते काफ़ी बार रोका भी जा चुका है। सरदार उधम एक सुजीत सरकार द्वारा निर्देशित और किनोवर्स के सहयोग से राइजिंग सन द्वारा निर्मित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है। इसे रितेश भट्ट शाह द्वारा लिखा गया है। सुजीत सरकार ने अपने कॉलेज के दिनों में उधम सिंह की बायोपिक का विचार रखा और 1990 में और उसके दशक के निर्माण करने की योजना बनाई, लेकिन स्वतंत्र सेनानी पर शोध कार्य में उन्हें लगभग 2 दशक का समय लग गया। इसे अंततः इरफान खान के मुख्य भूमिका के साथ बनाए जाने की भी बात कही, लेकिन बाद में कौशल को पेशकश की गई और इसमें विकी कौशल ने अभिनय करने के लिए तुरंत हाँ कहा। इसे रोनी लहिरी शील कुमार के द्वारा निर्मित किया गया। इसकी रिलीज की तारीख 16 अक्टूबर 2021 की थी। इसकी लंबाई लगभग 162 मिनट है। इस फिल्म का देश भारत था और इसकी भाषा हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी को साथ है। इसकी कहानी भी सरदार उदय सिंह से शुरू होती है जो कि लंदन में अभी रह रहे हैं। इसे कोविड-19 के चलते काफ़ी बार रोका भी जा चुका है। सरदार उधम एक सुजीत सरकार द्वारा निर्देशित और किनोवर्स के सहयोग से राइजिंग सन द्वारा निर्मित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है। इसे रितेश भट्ट शाह द्वारा लिखा गया है। सुजीत सरकार ने अपने कॉलेज के दिनों में उधम सिंह की बायोपिक का विचार रखा और 1990 में और उसके दशक के निर्माण करने की योजना बनाई, लेकिन स्वतंत्र सेनानी पर शोध कार्य में उन्हें लगभग 2 दशक का समय लग गया। इसे अंततः इरफान खान के मुख्य भूमिका के साथ बनाए जाने की भी बात कही, लेकिन बाद में कौशल को पेशकश की गई और इसमें विकी कौशल ने अभिनय करने के लिए तुरंत हाँ कहा। इसे रोनी लहिरी शील कुमार के द्वारा निर्मित किया गया। इसकी रिलीज की तारीख 16 अक्टूबर 2021 की थी।
इसकी लंबाई लगभग 162 मिनट है। इस फिल्म का देश भारत था और इसकी भाषा हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी को साथ है। इसकी कहानी भी सरदार उदय सिंह से शुरू होती है जो कि लंदन में अभी रह रहे हैं। इसे कोविड-19 के चलते काफ़ी बार रोका भी जा चुका है। सरदार उधम एक सुजीत सरकार द्वारा निर्देशित और किनोवर्स के सहयोग से राइजिंग सन द्वारा निर्मित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है। इसे रितेश भट्ट शाह द्वारा लिखा गया है। सुजीत सरकार ने अपने कॉलेज के दिनों में उधम सिंह की बायोपिक का विचार रखा और 1990 में और उसके दशक के निर्माण करने की योजना बनाई, लेकिन स्वतंत्र सेनानी पर शोध कार्य में उन्हें लगभग 2 दशक का समय लग गया। इसे अंततः इरफान खान के मुख्य भूमिका के साथ बनाए जाने की भी बात कही थी, लेकिन बाद में कौशल को पेशकश की गई और इसमें विकी कौशल ने अभिनय करने के लिए तुरंत हाँ कहा। इसे रोनी लहिरी शील कुमार के द्वारा निर्मित किया गया। इसकी रिलीज की तारीख 16 अक्टूबर 2021 की थी। इसकी लंबाई लगभग 162 मिनट है। इस फिल्म का देश भारत था और इसकी भाषा हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी को साथ है। इसकी कहानी भी सरदार उदय सिंह से शुरू होती है जो कि लंदन में अभी रह रहे हैं। इसे कोविड-19 के चलते काफ़ी बार रोका भी जा चुका है। सरदार उधम एक सुजीत सरकार द्वारा निर्देशित और किनोवर्स के सहयोग से राइजिंग सन द्वारा निर्मित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है। इसे रितेश भट्ट शाह द्वारा लिखा गया है। सुजीत सरकार ने अपने कॉलेज के दिनों में उधम सिंह की बायोपिक का विचार रखा और 1990 में और उसके दशक के निर्माण करने की योजना बनाई, लेकिन स्वतंत्र सेनानी पर शोध कार्य में उन्हें लगभग 2 दशक का समय लग गया। इसे अंततः इरफान खान के मुख्य भूमिका के साथ बनाए जाने की भी बात कही थी, लेकिन बाद में कौशल को पेशकश की गई और इसमें विकी कौशल ने अभिनय करने के लिए तुरंत हाँ कहा। इसे रोनी लहिरी शील कुमार के द्वारा निर्मित किया गया। इसकी रिलीज की तारीख 16 अक्टूबर 2021 की थी। इसकी लंबाई लगभग 162 मिनट है। इस फिल्म का देश भारत था और इसकी भाषा हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी को साथ है। इसकी कहानी भी सरदार उदय सिंह से शुरू होती है जो कि लंदन में अभी रह रहे हैं। इसे कोविड-19 के चलते काफ़ी बार रोका भी जा चुका है। सरदार उधम एक सुजीत सरकार द्वारा निर्देशित और किनोवर्स के सहयोग से राइजिंग सन द्वारा निर्मित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है। इसे रितेश भट्ट शाह द्वारा लिखा गया है। सुजीत सरकार ने अपने कॉलेज के दिनों में उधम सिंह की बायोपिक का विचार रखा और 1990 में और उसके दशक के निर्माण करने की योजना बनाई, लेकिन स्वतंत्र सेनानी पर शोध कार्य में उन्हें लगभग 2 दशक का समय लग गया। इसे अंततः इरफान खान के मुख्य भूमिका के साथ बनाए जाने की भी बात कही थी, लेकिन बाद में कौशल को पेशकश की गई और इसमें विकी कौशल ने अभिनय करने के लिए तुरंत हाँ कहा। इसे रोनी लहिरी शील कुमार के द्वारा निर्मित किया गया। इसकी रिलीज की तारीख 16 अक्टूबर 2021 की थी। इसकी लंबाई लगभग 162 मिनट है। इस फिल्म का देश भारत था और इसकी भाषा हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी को साथ है। इसकी कहानी भी सरदार उदय सिंह से शुरू होती है जो कि लंदन में अभी रह रहे हैं। इसे कोविड-19 के चलते काफ़ी बार रोका भी जा चुका है। सरदार उधम
एक सुजीत सरकार द्वारा निर्देशित और किनोवर्स के सहयोग से राइजिंग सन द्वारा निर्मित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है। इसे रितेश भट्ट शाह द्वारा लिखा गया है। सुजीत सरकार ने अपने कॉलेज के दिनों में उधम सिंह की बायोपिक का विचार रखा और 1990 में और उसके दशक के निर्माण करने की योजना बनाई, लेकिन स्वतंत्र सेनानी पर शोध कार्य में उन्हें लगभग 2 दशक का समय लग गया। इसे अंततः इरफान खान के मुख्य भूमिका के साथ बनाए जाने की भी बात कही, लेकिन बाद में कौशल को पेशकश की गई और इसमें विकी कौशल ने अभिनय करने के लिए तुरंत हाँ कहा। इसे रोनी लहिरी शील कुमार के द्वारा निर्मित किया गया। इसकी रिलीज की तारीख 16 अक्टूबर 2021 की थी। इसकी लंबाई लगभग 162 मिनट है। इस फिल्म का देश भारत था और इसकी भाषा हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी को साथ है। इसकी कहानी भी सरदार उदय सिंह से शुरू होती है, जो कि लंदन में अभी रह रहे हैं। इसे COVID-19 के चलते काफ़ी बार रोका भी जा चुका है। सरदार उधम एक सुजीत सरकार द्वारा निर्देशित और किनोवर्स के सहयोग से राइजिंग सन द्वारा निर्मित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है। इसे रितेश भट्ट शाह द्वारा लिखा गया है। सुजीत सरकार ने अपने कॉलेज के दिनों में उधम सिंह की बायोपिक का विचार रखा और 1990 में और उसके दशक के निर्माण करने की योजना बनाई, लेकिन स्वतंत्र सेनानी पर शोध कार्य में उन्हें लगभग 2 दशक का समय लग गया। इसे अंततः इरफान खान के मुख्य भूमिका के साथ बनाए जाने की भी बात कही, लेकिन बाद में कौशल को पेशकश की गई और इसमें विकी कौशल ने अभिनय करने के लिए तुरंत हाँ कहा। इसे रोनी लहिरी शील कुमार के द्वारा निर्मित किया गया। इसकी रिलीज की तारीख 16 अक्टूबर 2021 की थी। इसकी लंबाई लगभग 162 मिनट है। इस फिल्म का देश भारत था और इसकी भाषा हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी को साथ है। इसकी कहानी भी सरदार उदय सिंह से शुरू होती है, जो कि लंदन में अभी रह रहे हैं। इसे COVID-19 के चलते काफ़ी बार रोका भी जा चुका है। सरदार उधम एक सुजीत सरकार द्वारा निर्देशित और किनोवर्स के सहयोग से राइजिंग सन द्वारा निर्मित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है। इसे रितेश भट्ट शाह द्वारा लिखा गया है। सुजीत सरकार ने अपने कॉलेज के दिनों में उधम सिंह की बायोपिक का विचार रखा और 1990 में और उसके दशक के निर्माण करने की योजना बनाई, लेकिन स्वतंत्र सेनानी पर शोध कार्य में उन्हें लगभग 2 दशक का समय लग गया। इसे अंततः इरफान खान के मुख्य भूमिका के साथ बनाए जाने की भी बात कही, लेकिन बाद में कौशल को पेशकश की गई और इसमें विकी कौशल ने अभिनय करने के लिए तुरंत हाँ कहा। इसे रोनी लहिरी शील कुमार के द्वारा निर्मित किया गया। इसकी रिलीज की तारीख 16 अक्टूबर 2021 की थी। इसकी लंबाई लगभग 162 मिनट है। इस फिल्म का देश भारत था और इसकी भाषा हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी को साथ है। इसकी कहानी भी सरदार उदय सिंह से शुरू होती है, जो कि लंदन में अभी रह रहे हैं। इसे COVID-19 के चलते काफ़ी बार रोका भी जा चुका है। सरदार उधम एक सुजीत सरकार द्वारा निर्देशित और किनोवर्स के सहयोग से राइजिंग सन द्वारा निर्मित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है। इसे रितेश भट्ट शाह द्वारा लिखा गया है। सुजीत सरकार ने अपने कॉलेज के दिनों में उधम सिंह की बायोपिक का विचार रखा और 1990 में
और उसके दशक के निर्माण करने की योजना बनाई, लेकिन स्वतंत्र सेनानी पर शोध कार्य में उन्हें लगभग 2 दशक का समय लग गया। इसे अंततः इरफान खान के मुख्य भूमिका के साथ बनाए जाने की भी बात कही, लेकिन बाद में कौशल को पेशकश की गई और इसमें विकी कौशल ने अभिनय करने के लिए तुरंत हाँ कहा। इसे रोनी लहिरी शील कुमार के द्वारा निर्मित किया गया। इसकी रिलीज की तारीख 16 अक्टूबर 2021 की थी। इसकी लंबाई लगभग 162 मिनट है। इस फिल्म का देश भारत था और इसकी भाषा हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी को साथ है। इसकी कहानी भी सरदार उदय सिंह से शुरू होती है, जो कि लंदन में अभी रह रहे हैं। इसे COVID-19 के चलते काफ़ी बार रोका भी जा चुका है। सरदार उधम एक सुजीत सरकार द्वारा निर्देशित और किनोवर्स के सहयोग से राइजिंग सन द्वारा निर्मित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है। इसे रितेश भट्ट शाह द्वारा लिखा गया है। सुजीत सरकार ने अपने कॉलेज के दिनों में उधम सिंह की बायोपिक का विचार रखा और 1990 में और उसके दशक के निर्माण करने की योजना बनाई, लेकिन स्वतंत्र सेनानी पर शोध कार्य में उन्हें लगभग 2 दशक का समय लग गया। इसे अंततः इरफान खान के मुख्य भूमिका के साथ बनाए जाने की भी बात कही, लेकिन बाद में कौशल को पेशकश की गई और इसमें विकी कौशल ने अभिनय करने के लिए तुरंत हाँ कहा। इसे रोनी लहिरी शील कुमार के द्वारा निर्मित किया गया। इसकी रिलीज की तारीख 16 अक्टूबर 2021 की थी। इसकी लंबाई लगभग 162 मिनट है। इस फिल्म का देश भारत था और इसकी भाषा हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी को साथ है। इसकी कहानी भी सरदार उदय सिंह से शुरू होती है, जो कि लंदन में अभी रह रहे हैं। इसे COVID-19 के चलते काफ़ी बार रोका भी जा चुका है। सरदार उधम एक सुजीत सरकार द्वारा निर्देशित और किनोवर्स के सहयोग से राइजिंग सन द्वारा निर्मित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है। इसे रितेश भट्ट शाह द्वारा लिखा गया है। सुजीत सरकार ने अपने कॉलेज के दिनों में उधम सिंह की बायोपिक का विचार रखा और 1990 में और उसके दशक के निर्माण करने की योजना बनाई, लेकिन स्वतंत्र सेनानी पर शोध कार्य में उन्हें लगभग 2 दशक का समय लग गया। इसे अंततः इरफान खान के मुख्य भूमिका के साथ बनाए जाने की भी बात कही, लेकिन बाद में कौशल को पेशकश की गई और इसमें विकी कौशल ने अभिनय करने के लिए तुरंत हाँ कहा। इसे रोनी लहिरी शील कुमार के द्वारा निर्मित किया गया। इसकी रिलीज की तारीख 16 अक्टूबर 2021 की थी। इसकी लंबाई लगभग 162 मिनट है। इस फिल्म का देश भारत था और इसकी भाषा हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी को साथ है। इसकी कहानी भी सरदार उदय सिंह से शुरू होती है, जो कि लंदन में अभी रह रहे हैं। इसे COVID-19 के चलते काफ़ी बार रोका भी जा चुका है। सरदार उधम एक सुजीत सरकार द्वारा निर्देशित और किनोवर्स के सहयोग से राइजिंग सन द्वारा निर्मित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है। इसे रितेश भट्ट शाह द्वारा लिखा गया है। सुजीत सरकार ने अपने कॉलेज के दिनों में उधम सिंह की बायोपिक का विचार रखा और 1990 में और उसके दशक के निर्माण करने की योजना बनाई, लेकिन स्वतंत्र सेनानी पर शोध कार्य में उन्हें लगभग 2 दशक का समय लग गया। इसे अंततः इरफान खान के मुख्य भूमिका के साथ बनाए जाने की भी बात कही, लेकिन बाद में कौशल को पेशकश की गई और इसमें विकी कौशल ने अभिनय करने के लिए तुरंत हाँ कहा।
इसे रोनी लहिरी शील कुमार के द्वारा निर्मित किया गया। इसकी रिलीज की तारीख 16 अक्टूबर 2021 की थी। इसकी लंबाई लगभग 162 मिनट है। इस फिल्म का देश भारत था और इसकी भाषा हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी को साथ है। इसकी कहानी भी सरदार उदय सिंह से शुरू होती है जो कि लंदन में अभी रह रहे हैं। इसे COVID-19 के चलते काफ़ी बार रोका भी जा चुका है। सरदार उधम एक सुजीत सरकार द्वारा निर्देशित और किनोवर्स के सहयोग से राइजिंग सन द्वारा निर्मित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है। इसे रितेश भट्ट शाह द्वारा लिखा गया है। सुजीत सरकार ने अपने कॉलेज के दिनों में उधम सिंह की बायोपिक का विचार रखा और 1990 में और उसके दशक के निर्माण करने की योजना बनाई, लेकिन स्वतंत्र सेनानी पर शोध कार्य में उन्हें लगभग 2 दशक का समय लग गया। इसे अंततः इरफान खान के मुख्य भूमिका के साथ बनाए जाने की भी बात कही, लेकिन बाद में कौशल को पेशकश की गई और इसमें विकी कौशल ने अभिनय करने के लिए तुरंत हाँ कहा। इसे रोनी लहिरी शील कुमार के द्वारा निर्मित किया गया। इसकी रिलीज की तारीख 16 अक्टूबर 2021 की थी। इसकी लंबाई लगभग 162 मिनट है। इस फिल्म का देश भारत था और इसकी भाषा हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी को साथ है। इसकी कहानी भी सरदार उदय सिंह से शुरू होती है जो कि लंदन में अभी रह रहे हैं। इसे COVID-19 के चलते काफ़ी बार रोका भी जा चुका है। सरदार उधम एक सुजीत सरकार द्वारा निर्देशित और किनोवर्स के सहयोग से राइजिंग सन द्वारा निर्मित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है। इसे रितेश भट्ट शाह द्वारा लिखा गया है। सुजीत सरकार ने अपने कॉलेज के दिनों में उधम सिंह की बायोपिक का विचार रखा और 1990 में और उसके दशक के निर्माण करने की योजना बनाई, लेकिन स्वतंत्र सेनानी पर शोध कार्य में उन्हें लगभग 2 दशक का समय लग गया। इसे अंततः इरफान खान के मुख्य भूमिका के साथ बनाए जाने की भी बात कही, लेकिन बाद में कौशल को पेशकश की गई और इसमें विकी कौशल ने अभिनय करने के लिए तुरंत हाँ कहा। इसे रोनी लहिरी शील कुमार के द्वारा निर्मित किया गया। इसकी रिलीज की तारीख 16 अक्टूबर 2021 की थी। इसकी लंबाई लगभग 162 मिनट है। इस फिल्म का देश भारत था और इसकी भाषा हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी को साथ है। इसकी कहानी भी सरदार उदय सिंह से शुरू होती है जो कि लंदन में अभी रह रहे हैं। इसे COVID-19 के चलते काफ़ी बार रोका भी जा चुका है। सरदार उधम एक सुजीत सरकार द्वारा निर्देशित और किनोवर्स के सहयोग से राइजिंग सन द्वारा निर्मित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है। इसे रितेश भट्ट शाह द्वारा लिखा गया है। सुजीत सरकार ने अपने कॉलेज के दिनों में उधम सिंह की बायोपिक का विचार रखा और 1990 में और उसके दशक के निर्माण करने की योजना बनाई, लेकिन स्वतंत्र सेनानी पर शोध कार्य में उन्हें लगभग 2 दशक का समय लग गया। इसे अंततः इरफान खान के मुख्य भूमिका के साथ बनाए जाने की भी बात कही, लेकिन बाद में कौशल को पेशकश की गई और इसमें विकी कौशल ने अभिनय करने के लिए तुरंत हाँ कहा। इसे रोनी लहिरी शील कुमार के द्वारा निर्मित किया गया। इसकी रिलीज की तारीख 16 अक्टूबर 2021 की थी। इसकी लंबाई लगभग 162 मिनट है। इस फिल्म का देश भारत था और इसकी भाषा हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी को साथ है। इसकी कहानी भी सरदार उदय सिंह से शुरू होती है जो कि लंदन में अभी रह रहे हैं।
इसे कोविड-19 के चलते काफी बार रोका भी जा चुका है। सरदार उधम एक सुजीत सरकार द्वारा निर्देशित और किनोवर्स के सहयोग से राइजिंग सन द्वारा निर्मित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है। इसे रितेश भट्ट शाह द्वारा लिखा गया है। सुजीत सरकार ने अपने कॉलेज के दिनों में उधम सिंह की बायोपिक का विचार रखा और 1990 में और उसके दशक के निर्माण करने की योजना बनाई, लेकिन स्वतंत्र सेनानी पर शोध कार्य में उन्हें लगभग 2 दशक का समय लग गया। इसे अंततः इरफान खान के मुख्य भूमिका के साथ बनाए जाने की भी बात कही, लेकिन बाद में कौशल को पेशकश की गई और इसमें विकी कौशल ने अभिनय करने के लिए तुरंत हाँ कहा। इसे रोनी लहिरी शील कुमार के द्वारा निर्मित किया गया। इसकी रिलीज की तारीख 16 अक्टूबर 2021 की थी। इसकी लंबाई लगभग 162 मिनट है। इस फिल्म का देश भारत था और इसकी भाषा हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी को साथ है। इसकी कहानी भी सरदार उदय सिंह से शुरू होती है, जो कि लंदन में अभी रह रहे हैं। इसे कोविड-19 के चलते काफ़ी बार रोका भी जा चुका है। सरदार उधम एक सुजीत सरकार द्वारा निर्देशित और किनोवर्स के सहयोग से राइजिंग सन द्वारा निर्मित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है। इसे रितेश भट्ट शाह द्वारा लिखा गया है। सुजीत सरकार ने अपने कॉलेज के दिनों में उधम सिंह की बायोपिक का विचार रखा और 1990 में और उसके दशक के निर्माण करने की योजना बनाई, लेकिन स्वतंत्र सेनानी पर शोध कार्य में उन्हें लगभग 2 दशक का समय लग गया। इसे अंततः इरफान खान के मुख्य भूमिका के साथ बनाए जाने की भी बात कही, लेकिन बाद में कौशल को पेशकश की गई और इसमें विकी कौशल ने अभिनय करने के लिए तुरंत हाँ कहा। इसे रोनी लहिरी शील कुमार के द्वारा निर्मित किया गया। इसकी रिलीज की तारीख 16 अक्टूबर 2021 की थी। इसकी लंबाई लगभग 162 मिनट है। इस फिल्म का देश भारत था और इसकी भाषा हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी को साथ है। इसकी कहानी भी सरदार उदय सिंह से शुरू होती है, जो कि लंदन में अभी रह रहे हैं। इसे कोविड-19 के चलते काफ़ी बार रोका भी जा चुका है।